हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल फ्रेंड। इस लेक्चर में हम सीएमडी को कवर करेंगे। सीएमडी को और नाम से भी जानते हैं, कमांड बोलते हैं इसको, और माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। इस सीरीज में हम देखो, नॉर्मल लोगों का कहना है कि सीएमडी का यूज़ नहीं होता, लेकिन देखो सीएमडी का यूज़ अच्छे से होता है। अभी भी फील्ड में, नेटवर्किंग फील्ड में पूरा यूज़ होता है, और लाइब्रेरी मैनेजमेंट में या कॉलेज मैनेजमेंट में अभी भी ये यूज़ होता है। ठीक है, आपने नोटिस किया होगा बैंक वगैरह में आप जाते हो तो सैलरी स्लिप निकलता होगा वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के साथ, तो अभी भी इसका यूज़ होता है। और ये नॉर्मल ही नहीं है, इसके साथ हम लोग गेम भी बनाते हैं, जैसे क्विज होता है, एक क्वेश्चन होता है KBC जैसा, एक क्वेश्चन हुआ, चार ऑप्शन हो गए, उस चीज़ को भी इसी में बनाया जा सकता है। अगर आप सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, इसके लिए कोडिंग लिखनी पड़ती है। ठीक है, एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर नहीं है, एक अच्छा सॉफ्टवेयर है। इससे हम क्या करते हैं कि इंटरनल सेटिंग भी करते हैं कंप्यूटर की, और एक्सटर्नल सेटिंग भी करते हैं, जैसे डेट टाइम, फोल्डर बनाना, फाइल क्रिएट करना, और फोल्डर को हाइड करना, शो कराना, नेटवर्क की जितनी भी सेटिंग होती है ना, ये पूरी सेटिंग यहाँ पर होती है। ठीक है, हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल फ्रेंड। इस लेक्चर में हम सीएमडी को कवर करेंगे। सीएमडी को ओपन करने का तरीका है, आप विंडो बटन प्रेस कर लो, टाइप करो सीएमडी, एंटर प्रेस करो। सीएमडी यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन दिखेगा, यहाँ पे करना क्या, इस स्क्रीन पे आपको टाइप करना होगा। हम इस कुछ काम करते हैं, पहले दिखाते हैं, हम एक यहाँ पर टाइप करते हैं CD, और यहाँ टाइप करते हैं डेस्कटॉप, एंटर किया। देखो अब ये जो हमने टाइप किया डेस्कटॉप, CD से अर्थ होता है चेंज डायरेक्टरी, और डायरेक्टरी को चेंज करके हम आ गए यहाँ पर डेस्कटॉप पर, और डेस्कटॉप पर हम यहाँ पर टाइप करेंगे, एक फोल्डर बनाते हैं MD, एक कमांड है, MD का अर्थ होता है मेक अ डायरेक्टरी। सो यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं, हम अब बनाते हैं सैलरी चार्ट, हम लिख दिया यहाँ पे सैलरी चार्ट, इंटरफेस करेंगे। ये देखो यहाँ पे एक फोल्डर बन गया। इसी तरह से हम कई फोल्डर बनाना चाहें एक साथ, तो हम कई फोल्डर बना सकते हैं। हम MD प्रेस करेंगे और लिखते हैं हम स्टाफ। देखो एक फोल्डर इसके नाम से बनेगा, और दूसरा बनाना चाहते हैं हम, स्टाफ हो गया, हमने कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पे लिख दिया ना लाइब्रेरी, एंटर प्रेस करेंगे। अब देखो यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पर आपको दो फोल्डर दिखेंगे कंटिन्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये सीखा कि CD कमांड से डायरेक्टरी चेंज होता है, और MD कमांड से यहाँ पे फोल्डर बनता है। देखो ये है लाइब्रेरी का अभी जो हमने बनाया है फोल्डर, ये ब्लैंक दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसमें हम एक फोल्डर बनाते हैं। देखो फोल्डर के अंदर जब जाना हो, इंटर करना हो, तो आप प्रेस करना CD, और CD लिख करके यहाँ पर टाइप करो आप लाइब्रेरी, इंटरफेस करो आप। जैसे आप इंटरफेस करो, देखो ये डेस्कटॉप पर हम अभी हैं और लाइब्रेरी के अंदर आ गए। अब हमें लाइब्रेरी के अंदर दो तीन फोल्डर बनानी है, तो हम प्रेस करेंगे MD कमांड, MD का मतलब मेक अ डायरेक्टरी। सो यहाँ पे हमें करना क्या है, लिखेंगे हम बुक रजिस्टर, एक किसके नाम से बना दिया, बुक रजिस्टर के नाम से, और यहाँ लिख देते हैं हम डेली स्टूडेंट, इंटरप्रेस करेंगे। अब देखो ध्यान से इसको ओपन कर लेते हैं, यहाँ देख सकते हो एक बुक रजिस्टर के नाम से फोल्डर बन गया, और एक बन गया है डेली स्टूडेंट के नाम से फोल्डर। इसके बाद यहाँ पे ये जाना आपने कि कैसे फोल्डर बनाते हैं, फोल्डर के अंदर भी फोल्डर बना सकते हैं हम। अब देखो ये फोल्डर बनाया है हमारे पास, ये मैं वापस से दिखाऊँ, यहाँ लिखा हुआ बुक रजिस्टर, इस रजिस्टर में कुछ आपको एक फ़ाइल बनानी है, तो फाइल बनाने का आसान तरीका है, आप प्रेस करो यहाँ पर CD,
और वहाँ पर टाइप कर दो, क्योंकि आप लाइब्रेरी फोल्डर में हो, तो यहाँ पर बुक और यहाँ पर आप टाइप करो रजिस्टर, एंटर प्रेस करो। देखो आप उस फोल्डर के अंदर आ गए। एक कमांड है कॉपीकॉन, COPY स्पेस कॉपीकॉन स्पेस, इससे नए फाइल को हम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर टाइप करना है कॉपीकॉन और यहाँ पर फाइल का नाम लिख दो आप, ऐसे लिख दिया आपने लिटरेचर बुक, लिटरेचर डॉट, यहाँ पर प्रेस कर देते हैं हम लिटरेचर बी डॉट txt, ये txt इसका फाइल होता है। एंटर प्रेस करेंगे हम। अब यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया सीरियल नंबर और टाइप का इस्तेमाल हम कर लेंगे, बुक नेम स्पेस और सीरियल नंबर दे दिया हमने, बुक नंबर दे दिया पेज एंड राइटर। एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम सीरियल नंबर देंगे, बुक नेम आपने कोई दे दिया, से ले दिया गोदान, पेज कितना है आप जितना पेज होगा वो आप दे सकते हो, ठीक है। आप लिख देना 200 पेज है, 300 पेज है, जो होगा आप ऐड कर लेना। यहाँ लिख दिया अपने मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। इस तरह से आप लिखोगे ये बन जाएगा। इसके बाद इसको सेव करने का दो तरीका है, एक है कंट्रोल के साथ जेड प्रेस करो या F6 प्रेस करके देख लो। कंट्रोल जेड प्रेस किया हमने, एंटर प्रेस करेंगे, देखो एक फाइल बन गया। अब देखना चाहते हो कि ये फाइल बना या नहीं, आप डबल प्रेस करके देख लो, ये फाइल बन चुका है। इसको ओपन करके देख लो, ये जो हमने वहाँ पर लिखा वो यहाँ पे दिख रहा है। नोट पैड, ये एक्चुअली जो txt फॉर्मेट होता है नोट पैड का फॉर्मेट होता है। इसके बाद देखो अब हमें पूरा इससे वापस आना है डेस्कटॉप पर, हम प्रेस करेंगे cd डॉट डॉट इंटर, cd डॉट डॉट इंटर। सीडी से बाहर आना हो, मतलब डायरेक्टरी के अंदर जाना हो, तो हम cd कमांड का यूज़ करते हैं, और जब हमें डायरेक्टरी से रिटर्न जाना हो, वापस आना हो, तो हम cd डॉट डॉट का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखो, एक कमांड है रिन कमांड। देखो अगर हम कुछ में नाम चेंज करना है ना, यहाँ पीछे लिखा हो स्टाफ, इसका नाम चेंज करना है, लिखा आपने रेन, सॉरी लिखो गैप स्टाफ स्पेस करो, इसका नाम चेंज करना है, लिखो आप स्टाफ, लिख दो आप कॉलेज स्टाफ, एंटर प्रेस करो। और यहाँ पर इसको देखो ये चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये जाना कि रेन कमांड से ये यूज़ होता है। इसके बाद नेक्स्ट कमांड देखो, एक कमांड है जिसे हम कहते हैं एट्रिप कमांड। एट्रिप कमांड होता है, बहुत ही शानदार कमांड है, इसके माध्यम से हम किसी फोल्डर को हाइड कर सकते हैं और शो करा सकते हैं। देखो इसको बहुत आसान तरीका है लिखने का, लिखो आप एट्रिप, AttriB, एट्रिप लिखो और यहाँ पे प्रेस करो +H (+S)+R, H फॉर हाइड, S फॉर सेव, R फॉर रिमूव, स्पेस करो और फोल्डर का नाम, तो ये लिखा है लाइब्रेरी फोल्डर, इस फोल्डर को हम हाइड करेंगे। हमने प्रेस किया लाइब्रेरी, एंटर जैसे प्रेस करेंगे ये फोल्डर यहाँ से हट जाना चाहिए, ये देखो ये फोल्डर यहाँ से हट गया, रिमूव हो गया। अब इसको वापस मंगाना हो तो बहुत ही आसान तरीका है, देखो डबल एट्रिप, अब यहाँ पर माइनस लगा लो, स्पेस -S -R और स्पेस करके फोल्डर का नाम, एंटर प्रेस करो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये फोल्डर वापस आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखो कमांड कौन सा है, एक कमांड है हेल्प कमांड, जिसे कहते हैं हम लोग हेल्प के साथ कोई भी कमांड को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ प्रेस करो हेल्प, लिखो कलर, एंटर प्रेस करो। देखो यहाँ पे आपको ये बता देगा कि 0 प्रेस करोगे तो आपको ब्लैक कलर मिलेगा, 1 प्रेस करोगे तो ब्लू कलर मिलेगा, 2 से ग्रीन, 3 से एक्वा कलर, 4 से रेड, 5 से पर्पल, 6 से येलो, 7 से वाइट और 8 से ग्रे। ये देखो पूरा अल्फाबेट से भी आपको मिलता है। तो यहाँ पे अगर आपको कलर चेंज करना है पूरे टेक्स्ट एरिया का, तो आप लिखो कलर स्पेस और आपको 8 प्रेस करना, एंटर प्रेस करो। अगर ग्रे में चेंज हो चुका, आप फिर से लिखो कलर
आपको ए प्रेस करना, एंटर प्रेस करो। ये देखो जो टेक्स्ट होता है इसको हम अपना कलर भी कर सकते हैं, जो कलर चाहिए। तो ये इस कमांड के माध्यम से हम कलर के माध्यम से जानते हैं। और इसके बाद देखो ध्यान से, अगर हमें कोई टाइटल चेंज करना हो सीएमडी का, तो इसके लिए भी एक कमांड है, आप टाइप कर सकते हो इसके लिए। यहाँ पे हम टाइप करेंगे, पहले यहाँ पे हम cls कमांड करते हैं। cls होता है क्लियर स्क्रीन, और यहाँ पर हम लिखेंगे, लिखते हैं हम यहाँ पर टाइटल स्पेस, ये देखो ये लिखा है कमांड प्रॉम्प्ट। यहाँ पे इसका नाम चेंज करना चाहते हो, अपना नाम तो या कंपनी का नाम तो आप, या कॉलेज का नाम लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। इसलिए लिख दिया अपने BHU लाइब्रेरी, इंटर। ये देखो नाम चेंज हो गया टाइटल। तो ये जो कमांड है टाइटल, इसे क्या होता है, इसका टाइटल चेंज होता है। इसके बाद देखो नेक्स्ट कमांड क्या है वो मैं बताता हूँ। अब हम जानेंगे पेनड्राइव को कैसे फॉर्मेट करते हैं, ठीक है। देखो पेनड्राइव फॉर्मेट करने का बहुत ही आसान तरीका है, क्या लिखना, पेनड्राइव इंसर्ट कर लो आप, ठीक है। और इंसर्ट करने के बाद आप सीएमडी को ओपन करो, लिखो विंडो बटन प्रेस करके लिखो सीएमडी, और यहाँ पर राइट बटन क्लिक करके इसको रन करा लेना, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, और यस प्रेस करना। जैसे अब यस प्रेस करोगे यहाँ पर एक विंडो मिलेगा, यहाँ लिखना है डिस्क पार्ट, एंटर प्रेस करना, 2-3 सेकेंड वेट। डिस्क की पार्टीशन यहाँ पे शो करेगी, तो हमें यहाँ कुछ लिखना होगा। अब हम यहाँ लिखेंगे लिस्ट डिस्क, एंटर प्रेस करेंगे। अब देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ पर आपका एक जीरो डिस्क दिख रहा होगा जो आपके कंप्यूटर का स्टोरेज है, और यहाँ पर डिस्क वन है जो आपका पेन ड्राइव का स्टोरेज है। तो ख्याल लगना है इस चीज़ का कि दोनों में से एक सेलेक्ट करना है, कौन सा, पेन ड्राइव सेलेक्ट करना, न कि हार्ड डिस्क। तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है डिस्क वन, यहाँ पे आप कैपेसिटी देख कर ही काम करना, और अंत अगर 01 सेलेक्ट करते हो तो आपका हार्ड डिस्क सेलेक्ट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना हमें, ठीक है। यहाँ लिखो सेलेक्ट डिस्क वन, हमें यहाँ प्रेस करना है डिस्क वन, यहाँ पे देखो 28 GB लिखा हुआ है। एंटर प्रेस करेंगे हम, और यहाँ पे लिखेंगे हम क्लीन, एंटर प्रेस करेंगे। अब ये लिखा है यहाँ पर डिस्क पर सक्सीड इन क्लीनिंग द डिस्क। अब यहाँ पर टाइप करना होगा हमें, हम टाइप कर दिखाते हैं, यहाँ लिखना हमें क्रिएट पार्ट PRI मतलब प्राइमरी। अब यहाँ पे एक पार्टीशन क्रिएट हो चुका है, अब हम यहाँ लिखेंगे फॉर्मेट FS इज इक्वल टू NTFS क्विक, एंटर प्रेस करेंगे। कुछ टाइम वेट करेंगे हम थोड़ा, दस सेकेंड। ये देखो 100% करके कंप्लीट कर लिया। देखो यहाँ पे लिखा है डिस्क पार्ट सक्सेसफुली फॉर्मेटेड वैल्यू। तो अब हमें यहाँ लिखना होगा एक्टिव लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। अब ये पार्टीशन को हमने एक्टिव कर लिया, यहाँ प्रेस करना है एग्जिट कमांड, और एग्जिट कमांड जैसे प्रेस करेंगे एंटर करेंगे ये डिस्क पार्ट को रिमूव कर देगा, और इसके बाद फिर एग्जिट प्रेस करेंगे एंटर करेंगे, ये पूरा वीडियो और ये आपका पेन ड्राइव रेडी हो जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो, अपना कंप्यूटर ओपन कर लो, आपके पास जो लोकेशन में विंडोज़ है उसको कॉपी करो, और पेन ड्राइव को ओपन करके यहाँ पे जा करके पेस्ट कर दो, ठीक है। इस तरीके से